हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्लू टॉक की आज की वीडियो होने वाली है। तो बिल्लू टॉक की हम काफ़ी सारे वीडियो पे रिएक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम 7-8 दिन के बाद फिर से बिल्लू टॉक की वीडियो ला रहे हैं। बिल्लू टॉक बहुत अमेजिंग वीडियोज़ बनाते हैं, जितनी भी गोदी मीडिया की डिबेट होती है उनको एडिट करके हमारे सामने लाते हैं। तो काफ़ी वीडियो पर उनकी हम रिएक्शन दे चुके हैं, तो आज भी उन्हीं की वीडियो है। तो जो नेता है वो कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं, तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो नेता जब बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो कुछ सोचते समझते नहीं है, तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है, कौन सा नेता कितना फेंकता है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला। तो चलो वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। सभी को शुभकामनाएं भी दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। माले, 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 इसरो के चीफ है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। निकल यहाँ से। अन्ना दो है। परी का आलम था और खून की जरूरत थी, तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है, तो बोले आइए मेरे साहब आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। ऐसी चीज ज्यादा हो गया, एक्टिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यार कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस के ओवर एक्टिंग मूवमेंट्स के ऊपर बनाया गया है। इस वीडियो में बगैर किसी भेदभाव के, यानी कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही तरफ के पॉलिटिशियंस के ओवर एक्टिंग मूवमेंट्स को बताया गया है। बात तो एकदम साफ है, ओवर एक्टिंग तो हर पॉलिटिशियन करता है। पता है ना आप सबको, पॉलिटिशियंस अपनी स्पीच को मसालेदार बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तड़का तो डालते ही है, इसीलिए हर पॉलिटिशियन ओवर एक्टिंग करता है। एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में ऑस्कर विनिंग आर्टिस्ट कौन सी पार्टी के मेंबर से हम सब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM में सबसे ज्यादा किसने फेंका, या आप ही डिसाइड कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन के ओवर एक्टिंग मूवमेंट्स को देखकर आपको तकलीफ हुई तो भाई जो बोल रहा हूँ उसको पहले गौर से सुन, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। जैसे भारत मेरी माँ है। आंसू आ रहे हैं, अभी आएगा। वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आ गया, ज्यादा सुनिए नहीं, फिर और एक्टिंग हो जाएगी। हाँ, बरो, बरो। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं? नहीं। और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? नहीं। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। अरे तू जा रही? मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। अच्छा। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, तो उससे मेरा क्या फायदा? सर मुझे बोले बोले डोंट बी टेलिंग टेलिंग Arnab, I made it very clear and I'm again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है, ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम दिखा। रुको जरा, सबर करो। कांग्रेस गठबंधन मना कर चुकी है। कमाली बेस्ती, मोदी जी खूब विदेश घूम रहे हैं आजकल। फ्रांस गए, पेरिस गए, लंदन गए, टोक्यो गए, वॉशिंगटन गए, कनाडा गए, मैं तो नाम ही भूल गया, इतनी जगह गए।
हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। वाह क्या सीन है। अच्छा कोटियाल साहब ने बताया कि वेट अ मिनट, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्ती उत्तराखंड में आ गया, उत्तराखंड से होती है। बॉस ये सब दोगला उत्तराखंड से बहुत जाते लड़के हैं, बहुत जाते पड़ते हैं के लिए। किस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में उन्होंने ट्रेनिंग लिया मुझे नहीं मालूम। उनका हंसना और बात करना ये पॉलिटिशियनों का नाम नहीं है, स्टाइल नहीं है। ये बच्चों को ताली बजाना चाहते हैं तो बच्चे ताली बजाएंगे। मैं भी कोई अच्छी बात, मैं तो एक्टर हूँ। समझ पता पता नहीं आ रही है मोदी से डिबेट में। चौका कोई मारेगा वो फटाफट उठा के टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। वाह क्या सीन है। वाह क्या अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। जबरदस्त भैया, जबरदस्त एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है। देखो आमतौर से जो एक्टर होते हैं ना, आमतौर से एक्टर जो होते हैं, मैं आपको काम की बात बताता हूं। आमतौर से जो एक्टर होते हैं, जब उनको रोना होता है, आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, आंख जलती है, आंसू आते हैं। मोदी जी को कॉन्टैक्ट लेंस की कोई जरूरत नहीं है, पता है ना आप सबको। मित्रों भाई साहब, ए सफेद कपड़ा मित्रों, ओ ओ ओ ए मैं तुम्हारा अमित साहब बिल्लू टॉक के चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। इनकी बहुत सारी वीडियो बना रखी है उन्होंने इस टाइप की, अलग अलग पॉलिटिशियन के ऊपर सबकी थग लाइव बना रखी है उन्होंने। तो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जो थी एंटरटेनमेंट पर्पज से थी, हमारा किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के जो होते हैं सपोर्टर, उनको हर्ट करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। तो इसको सिर्फ सीरियसली ना ले, सिर्फ जो कॉमेडी पर्पज से वीडियो पे रिएक्शन हमने दिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उतना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।